महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर लगातार रैलियां निकाली जा रही थी, अनशन किया जा रहा था। ऐसे में आज इनके लिए काफ़ी बड़ा दिन है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इनकी जो कई प्रमुख मांगे थी उसको स्वीकार कर लिया गया है। मनोज दरांगे पाटिल लगातार नवी मुंबई में आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने अपना अनशन खत्म किया है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पर पहुंचे। ऐसे में मनोज दरांगे पाटिल ने कहा था कि वो नवी मुंबई से मुंबई पहुँचेंगे, अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो इस आज़ाद मैदान में बैठ कर अनशन करेंगे। लेकिन अब उनकी मांगों को मान लिया गया है तो तमाम जो मराठा समाज के लोग हैं उनमें खुशी का एक माहौल दिखाई दे रहा है। सभी के हाथ में मराठा समाज के जो झंडे हैं वो मौजूद हैं और वो काफी ज्यादा उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। इस मैदान की तस्वीर कुछ और होती अगर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मांगे नहीं मानी जाती, लेकिन अगर आप अभी तस्वीरें देखें तो ये बहुत कुछ बयां करती है। यहाँ पर मराठा समाज में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं और ऐसे में काफी लोग खुश हैं। इतनी खुशी है आप लोगों की मांग? बहुत खुश है मैं, हमारे पूरे जिले में कभी किसी ने आ भी होगी खुशी उतनी। हमारा संघर्ष पूरा हो गया, हमारे मनोज दरांगे हमारे लिए जितने लड़े उनका जो योगदान है वो पूरा हो गया हमारे लिए। हम इतना खुश है, जिंदगी में इतना खुशी कभी नहीं मिली हमें। दरांगे पाटिल मुंबई तो नहीं आ रहे, अनशन वहीं रुक रहा है, तो आप लोग जाएंगे ना? फिर जाएंगे, फिर मुंबई जाएंगे, हम उत्साह करेंगे, काशी को जाएंगे। मान ली गई है कि हमारी बातें सरकार तक पहुंचने का काम मनोज दादा ने किया। हमारे कास्ट के लोगों को बहुत चुस्त रहे थे 70 साल से, ये मनोज दादा जैसे शिवाजी महाराज के बाद मनोज दादा आए और उन्होंने जितने भी सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट से जॉब है, प्राइवेट जॉब है, फीस है, सब में हमारे ओबीसी में शामिल होने का सबसे बड़ा ये गोल्डन डे है। महाराष्ट्र सरकार के लिए क्या कहेंगे उन्होंने? महाराष्ट्र सरकार ये एकनाथ शिंदे साहब को मैं हमारे सभी मराठाओं के उनके तरफ से योद्धाओं की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एकनाथ शिंदे साहब आए करके आरक्षण मिला है, दूसरा कोई होता कभी नहीं मिलता। एकनाथ शिंदे साहब के हम सब पूरे आभार मान सकते हैं। एकनाथ शिंदे साहब के पूरे हम सब मराठा समाज आभार मानेंगे और पूरे इंडिया में हमारा मराठा समाज आज बहुत तरीके से जल्लोष करेगा। आज हम तो दिवाली दिवस है, आज हम तो दिवाली है, हम आज दादा हिंदी मध्य हिंदी आज हमारी दिवाली है। आज हम आज इतने खुश हुए हैं कि बस पूछो मत, बहुत खुशी हुए हैं हम आज। लंबे सालों का संघर्ष आप लोगों का आज संघर्ष पूरा हो, सोने का दिन है। जरांगे पाटला के वजह से शिवाजी महाराज के बाद जरांगे पाटिल शिवाजी महाराज बन गए, देव उनके महाराष्ट्र में आ गए और छत ये सोने के। और भी हमारा समस्या है दूध का, सब पढ़ाने का, खेती का प्याज का, घी का, सब। महाराष्ट्र सरकार के लिए क्या कहेंगे आप लोग? बहुत लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे थे, आज का दिन है जब आपकी मांगे पूरी हुई हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठ्यांना आरक्षण देऊन सर्व मराठ्यांचा आता त्यांना मतदान मिळणार आहे आणि इथून पुढे 2024 मध्ये पुन्हा एकदा शिंदे सरकार। पीछे अगर आप देखें तो झंडे लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं मराठा समाज के लोग। और ऐसे में सरकार की तरफ से शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि अगर आप पीछे देखें तो मराठा समाज के और भी लोग यहाँ पर शामिल हैं। सरकार का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। तस्वीर अलग होती अगर राज्य सरकार की तरफ से मांगे नहीं मानी जाती, लेकिन यहाँ पर मंच बनाया गया है। इस मंच पर मनोज दरांगे पाटिल को पहुँचना था, उनकी तरफ से अनशन और प्रदर्शन की बात की गई थी अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता। ये मतलब आरक्षण ऐसा है कि जो बच्चे अपंग थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशी है, मतलब नौकरी के लिए, आगे का जो भविष्य है उसके लिए, क्योंकि आरक्षण नहीं तो हमारा कटअप बहुत ऊपर जाता था। अगर आरक्षण मिला है तो हमारी जो नौकरी है वो लग जाएगी, मतलब भविष्य का आगे का कुछ तो हुआ है। और जो मनोज दरांगे पाटिल ने हमारे लिए लड़ा है उनके हम आभारी रहेंगे। इस सरकार के लिए क्या कहेंगे? बहुत लंबे वक्त से आपकी लड़ाई चल रही थी लेकिन इस सरकार में जाकर आखिरकार मांगे? मैडम मतलब सरकार ने हमारी मांगे पूरी की तो सरकार का भी धन्यवाद है, बहुत आभारी है। और हमारा जो लड़ा चला है इसका भी, ये लोग जो आए इनका भी बहुत धन्यवाद कहेंगे हम। पाटिल नवी मुंबई में, मुंबई नहीं आ रहे तो आप लोग जाएंगे? हम इधर हम अभी गुलाल लगा के सब हम उधर जाएंगे, उनकी तरफ उनको भी गुलाल से नहा डालेंगे डायरेक्ट। ये खुशी का छत्रपति शिवाजी महाराज।
हजारों की संख्या में मराठा समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ऐसे में पुलिस की सुरक्षा भी काफी ज्यादा बढ़ाई गई थी, लेकिन आखिरकार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मराठा समाज की मांगों को माना गया, आरक्षण की जो प्रमुख मुद्दे हैं उसको स्वीकार किया गया, जिसके बाद आज जो है मराठा समाज की जो लंबी लड़ाई कई सालों से चल रही थी वो कहीं ना कहीं कामयाब होते दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन रवि बिंद के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई।